नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 अक्टूबर 2022 की आपके संपूर्ण राशिफल के बारे में। दोस्तों, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या कहते हैं ग्रह सितारे, जानेंगे संपूर्ण विस्तार से। शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों, एक बार की कथा है, देवर्षि नारद और ऋषि अंगरा कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी नज़र एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान के नज़दीक ही जूठी पतलों का ढेर लगा हुआ था। उस जूठन को खाने के लिए जैसे ही एक कुत्ता आता है, वैसे ही उस दुकान का मालिक उसको जोर से डंडा मारता है। डंडे की मार खाकर कुत्ता चीखता हुआ वहां से चला जाता है। ये दृश्य देखकर देवर्षि को हंसी आ गई। ऋषि अंगरा ने उनसे हंसी का कारण पूछा। नारद बोले, हे ऋषिवर, यह दुकान पहले एक कंजूस व्यक्ति की थी। अपनी जिंदगी में उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और इस जन्म में वह कुत्ता बनकर पैदा हुआ और यह दुकान मालिक उसी का पुत्र है, देखें, जिसके लिए उसने बेशुमार धन इकट्ठा किया। आज उसी के हाथों से उसे जूठा भोजन भी नहीं मिल सका। कर्म फल के इस खेल को देखकर मुझे हंसी आ गई। मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल जरूर मिलता है, बेशक इसलिए उसे जन्मों जन्मों की यात्रा क्यों न करनी पड़े। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि ये कर्म आपको जन्मों जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। जी दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आई हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। आज का पंचांग, आज दिन गुरुवार 6 अक्टूबर 2022, शुक्र पक्ष की एकादशी तिथि, सुबह के 9:40 रहेगा। उसके उपरांत ही द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो घनिष्ठा नाम का नक्षत्र शाम के 7:42 रहेगा। उसको प्रांति सतभिषा नाम का नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। शुल नाम का शुभ योग रात्रि के प्रातः काल 2:20 रहेगा। उसको प्रांति गंड नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। इस दिन राहु काल के समय की बात करें, अर्थात दिन के अशुभ समय की, यह समय आप कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें। यह समय रहेगा दोपहर के 1:42 लेकर शाम के 3:10 तक। और चंद्रमा दिन मकर राशि के उपरांत कुंभ राशि में संचार कर जाएंगे। दिन के अभिजीत मुहूर्त की बात करें, अर्थात शुभ समय की, यह समय रहेगा सुबह के 11:51 लेकर दोपहर के 12:38 तक। यश में आप सभी शुभ कार्यों को कर सकते हैं। तो आए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं ये जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है, ये आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आएंगे, आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी, किन किन चित्रों को लेकर आज के दिन आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। आप सभी को बता दें कि अब आपके किस्मत के ताले खुलने वाले हैं। जी दोस्तों, आपके भाग्य के नए दरवाजे खुलेंगे, जिनमें आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। और दोस्तों, जो भी जीवन काल में आपकी कठिनाई पिछले समय से चल रही थी, अब उनसे छुटकारा मिलने का समय आ गया है। अब आपको मिठाई बांटने पर मजबूर होना होगा, क्यों दोस्तों, खुशखबरी बहुत ही बड़ी आपको आज के दिन मिलने वाली है, जो कि आप सुनेंगे तो दोस्तों आप बिल्कुल ही खुशी से झूमने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल की जो आर्थिक तंगियां हैं वह खत्म होने वाली है। क्यों दोस्तों, यश में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दृष्टि आपके कुंडली पर पड़ रही है, जिनके कारण धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपके जीवन काल में आने वाले 24 घंटों के अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव होगा, जिनमें आप देखेंगे कि जो भी आपके कर्जे थे, जो भी आपके पास पैसों को लेकर तंगी थी, वह धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, फिर से आपके जीवन काल में वह खुशियां लौटने वाली है, जो कि पिछले कई समय से आपके जीवन काल में धीरे धीरे गुम हो रहे हैं। जी दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब आपको अपने जीवन काल में परेशान होने का जरूरत नहीं है, बशर्ते समय के साथ, काम के साथ आपको निरंतर माँ लक्ष्मी के द्वार पर जाना है। माँ लक्ष्मी के लिए कुछ उपाय आपको करना है। जी दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा समय ना हो तो दोस्तों आप घर में ही माँ लक्ष्मी के लिए गायत्री मंत्र का पाठ जरूर कीजिएगा। ओम भूर भुवः स्वाहा। दोस्तों, ये मंत्र का पाठ
आपको शाम और सुबह के समय कर लेने हैं एक माला कम से कम 200। इनसे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दृष्टि आपके जन्म काल पे आने वाले समय में भी निरंतर पड़ती रहेगी। ये दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि दोस्तों जो भी लोग व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनको व्यवसाय में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, दोस्तों अब उनके जन्म काल में फायदा यानी लाभ दिखाई देंगे। जी दोस्तों लाभ के नए मौके खुलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें गुरु और शनि की दृष्टि भी आपके लिए लाभकारी स्थिति दर्शा रही है। तो दोस्तों ऐसे में आपको कोई भी मौका अब नहीं छोड़ना है। जो दोस्तों आप पिछले समय बहुत सारे ऐसे मौके को छोड़ चुके हैं जो कि आपके भाग्य को बदल सकता था, जो कि आपके जीवन काल को पूरी तरह बदल सकता था, लेकिन दोस्तों आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती किए हैं जिनके कारण दोस्तों आपको इन मौकों से वंचित रहना पड़ा। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि फिर से वही समय आपके जीवन काल पे आने वाले हैं। दोस्तों आने वाले 24 घंटों से आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसे बदलाव होंगे कि आप देखेंगे कि लाभ के मौके आपके सामने आएंगे। लेकिन दोस्तों इस बार आपको कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों जो भी आपके लाभ के मौके आए, दोस्तों भले ही आपके सामने छोटे भी मौके आए, लेकिन दोस्तों उनको आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों जो भी लाभ के मौके होंगे आपको देखने में छोटे लगेंगे, लेकिन आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत ही बड़ा मुकाम साबित होने वाले हैं। जय दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि आप अपने जीवन काल में कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। जय दोस्तों पिछले कई समय से आपके जीवन काल में आप देख रहे हैं कि परेशानियां चली है, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों आप इन बात पर गौर नहीं कर रहे हैं कि यह परेशानी आखिर क्यों आ रही है। जी दोस्तों आप इन बात पर जरूर ही गौर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पिछले समय से आपके पीछे कुछ ऐसे अतृप्त आत्माएं वाले लोग भी लगे हैं जो कि चाहते हैं कि आप कब नीचे हो जाएं, आपका कब करियर रुक जाए, कब आप रोड पे आ जाएं। जो उनकी चाह होती है वो हमेशा यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों उन लोगों से आपको संभल कर रहना होगा। जो भी इंसान है ऐसे जो आपके नज़रों में खटकते हैं, जिन्हें लेकर आप परेशान होते हैं, जो आपके लिए हमेशा बुरा सोचते हैं, दोस्तों ऐसे लोगों की पहचान अब आपको करना होगा और कदम कदम पर ऐसे लोगों से बचकर ही चलना होगा। क्योंकि दोस्तों जो सांप होता है वह कुछ कर नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा अगर बीक आपके शरीर में छोड़ दे तो दोस्तों उनसे आपका पूरा शरीर बर्बाद हो सकता है, यूं कहें पूरा शरीर नष्ट हो सकता है। तो दोस्तों जो दुश्मन है यह बिल्कुल ही सांप की तरह सिर्फ जहर उगलेगा और आपके जीवन काल में आने वाली जो भी खुशियों के पल होंगे दोस्तों उन्हें रोक सकते हैं। तो दोस्तों अपने जीवन काल को सुरक्षित रखने के लिए अब आपको अपना कदम जरूर उठाना होगा, और दोस्तों आप इनसे बच कर रहें बस यही सबसे बड़ा आपका कदम होगा। कभी भी ऐसे लोगों से आपको बात करने की आवश्यकता नहीं है। जय दोस्तों साथी आप अपने पार्टनर या फिर अपने संबंध के बारे में चिंतित हो सकते हैं, लेकिन आज से आपकी जो स्थिति है वह स्पष्ट होने शुरू हो जाएगी। बहुत सारे काम और व्यक्तित्व की ऐसी बातें जो आपको पहले समझ नहीं आ रही थी अब साफ होना शुरू हो जाएगा। इसी आपको यह फैसला लेने में काफी हद तक मदद होगी कि आप इन संबंधों में कितना निवेश कर सकते हैं और किस तरह की और कितनी सीमाएं रखना चाहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आप आसानी से अपना ध्यान कहीं एक जगह नहीं लगा पाते और इसलिए ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं जो फोकस कर पाने की क्षमता रखते हैं। अब समय आ गया है कि आप भी एक विशेषता सीख कर अपने जीवन में भी कार्यान्वित करें। जी दोस्तों आपको किसी महत्वपूर्ण काम पर फोकस करने की जिम्मेदारी मिलेगी, इसे हाथ से जाने ना दें। सुबह जल्दी उठकर योग करने की भी आप कोशिश करें, इनसे आपको हर कार्यों में डट कर काम करने का मन करेगा। साथ ही आज के दिन आपका लाभकारी अंक रहेगा 2 और भाग्यशाली अंक रहेगा 3।